नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDP इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं उज्जीवन ग्रुप के दो कंपनियों के ऊपर, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका IPO थोड़े टाइम पहले आया था। और दोस्तों IPO आने के बाद उस स्टॉक में भी काफ़ी गिरावट हुई है। और दोस्तों उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आप पिछले 6 मंथ का डेटा देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अभी का जो क्लोजिंग प्राइस है 153.40 -23.74% पास 6 मंथ में गिरावट हो चुकी है दोस्तों। तो इसके पीछे के रीज़न क्या थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे दोस्तों। अब डेटा कुछ चार्ट के ऊपर ऐसा इंपॉर्टेंट बन रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बॉटम बन चुका है, तो उसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलाने की कोशिश करेंगे क्या बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं या फिर वो सब निकल चुके हैं बेच के, स्टॉक को आपको रखना चाहिए और कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म के लिए, उसके ऊपर दोस्तों डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे 6 मंथ में गिरावट हो चुकी थी और -23.74% का डाउन साइड आया था दोस्तों। और 1 मंथ के अंदर आप देखेंगे तो -7.31% की गिरावट है। 5 दिन में दोस्तों कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया स्टॉक ने और 1 दिन के अंदर भी आपको बिल्कुल छोटा सा मूवमेंट है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी दोस्तों दोनों सेम पेडिग्री कंपनी है और एक ही ग्रुप की कंपनी है तो सेम चलती है। 1 मंथ में भी अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी अच्छा हुआ है। अगर 6 मंथ में आप देखोगे दोस्तों कि गिरावट जब स्टार्ट हुई थी दोस्तों तो कंटिन्यूस गिर चुका था, यानी कि बिल्कुल धड़ाम करके गिरा था स्टॉक। उसके पीछे के बड़े रीज़न थे CEO का इस्तीफा आ गया, बहुत सारे बेकार से न्यूज़ आ गए दोस्तों जो कंपनी के फेवर में नहीं थे, हित में नहीं थे, RBI के एक्शन हुआ था। बट अब बैंक के एंड से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रहा है। क्या है पॉजिटिव न्यूज़ उसके ऊपर बात करेंगे और नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। पहला दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ है छोटा सा कि उमंग बेदी रिजाइन एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और स्टॉक वहाँ पे 1.5% ऊपर था, वो 4 अक्टूबर का दोस्तों न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ है दोस्तों उज्जीवन बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बोला है कि लोन रिकवरी इम्प्रूविंग, जो बहुत ही बढ़िया बात है कि लोन रिकवरी जो है वो इम्प्रूव हो रही है, उसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। बट दोस्तों न्यूज़ आने के बाद पहले हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर बात करेंगे, फिर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ चार्ट के साथ क्या डेटा है इम्पोर्टेंट उसके ऊपर भी बात करते रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे पहला चार्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, अभी का क्लोजिंग प्राइस है 20.80 रुपये दोस्तों। जब IPO आया था इसका, जब डीमर्जर हुआ और IPO आया, सेपरेट एंटिटी हुई 2019 में, तब 62 रुपीज़ पे ओपन हुआ था दोस्तों। हाई बनाया था स्टॉक ने और फिर ज़बरदस्त गिरावट आई स्टॉक के अंदर और स्टॉक आ गया था बिल्कुल 23 रुपीज़ के आसपास जब मार्च में आया था। फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की और स्टॉक 43 का हाई बनाया, फिर यहाँ पे 20 रुपये के आसपास आ गया है। क्या यहाँ पे लेना चाहिए या नहीं, पहला क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे दोस्तों जो लो बना था वीकली चार्ट के ऊपर, एक कैंडल बना हुआ है और यहाँ पे आप देख समझने की कोशिश की, जो लो है वो 19.40 का है दोस्तों। अब 19.40 का लेवल के ऊपर मैंने एक ब्लू लाइन ड्रॉ कर दी है। दूसरे वीक की अगर बात करें, इसको हम डेली चार्ट के ऊपर देखने की समझने की कोशिश करते हैं। अब तो यहाँ पे आप समझेंगे कि डेली चार्ट के ऊपर दोस्तों जब भी यहाँ पे टच होता है स्टॉक, लो बनाता है 19.45 पर, फिर 20 रुपये के आसपास चला जाता है। यहाँ पे आप जब भी लो बनाता है, एक बार नेगेटिव क्लोज आया था डेली चार्ट के ऊपर, दूसरी बार आया बट वीकली चार्ट के ऊपर नहीं आया। यहाँ पे जब भी क्लोज आता है इसी के ऊपर जाता है स्टॉक, तब ऊपर चला जाता है। तो सिंपल सा स्ट्रेटेजी है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कि 19.40 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है और मूवमेंट लेना है। जब भी उसके नज़दीक आता है तब इसको बाय करना है। अभी 20.80 रुपये है तो यहाँ पे आपको लेने की जज्बाजी नहीं करनी है अगर आप ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 19.40 रुपये के स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों रहिए, और अगर उसको तोड़ देता है वीकली चार्ट के ऊपर तो किसी के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से निकल जाओ क्योंकि और गिरावट आएगी इस स्टॉक में दोस्तों। ऑलरेडी बहुत सारा पैसा लॉस हो चुका है बट यहाँ पे ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। 4 से 5 वीक कंटिन्यूस 19.40 का जो लो बनाया था पैनिक टाइम में, बिग कैंडल बना था और वहीं पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन दोस्तों, ओपन हुआ है
25 रुपीज़ 80 पैसे, हाई बनाया 25.19 का और लो बनाया 19.40 का और क्लोज दिया 19.70। यानी कि दोस्तों वहीं से जो लो आया उसी के आसपास क्लोज आया था, फिर भी स्टॉक ने वहां से बाउंस बैक रिकवरी की और फिर यहाँ पे उसने कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो अगर थोड़ा स्टॉक ऊपर जाता है आने वाले टाइम में तो एक बॉटम बनने की गुंजाइश है। कौन अभी स्टॉक कंसोलिडेट फेज में है, ऊपर नीचे हो रहा है, स्मॉल स्मॉल कैंडल बना रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे एक अब चांस बनता है, क्योंकि दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 वीक यहाँ पे ऐसे ही काम किया हुआ है स्टॉक ने। ऐसा पहले भी हुआ था दोस्तों कि 1 2 3 4 5 वीक किया फिर ऊपर गया, फिर करने की कोशिश की थी। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे पहले भी 4 5 वीक ऐसे कंटिन्यूस सेम रेंज में काम करता था, तो यहाँ पे भी 6 वीक हो चुका है, 6 से 7 वीक। अगर वहाँ से अगर टूटता है ऊपर या नीचे की तरफ तो बड़ा मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल सकता है प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के जरिए दोस्तों। अब उसके सपोर्टिंग डाटा के ऊपर नज़र करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अभी ये जो जो है हमारे पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जहाँ पे हम डिलीवरी देखने की समझने की कोशिश करते हैं, डिलीवरी का डेटा देखेंगे तो दोस्तों 49.4% है 8 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को है 57.1, 6 अक्टूबर को है 61.2। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों, तो हर बार 50% से अब काफ़ी 15 से 20 दिनों के आसपास चल रहा है, वो बहुत ही बढ़िया है। उससे पहले भी दोस्तों बड़ा 1 मंथ से बिल्कुल गिरावट का यानी कि कंसोलिडेशन माहौल है, तो काफ़ी बढ़िया दोस्तों स्टॉक वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो 83.3% है और 100% लॉक्ड है दोस्तों। FII का होल्डिंग है वो 4.8% है, जो पिछले को पहले 4.8% था फिर बढ़ा, और सितंबर में जो लेटेस्ट है दोस्तों वो है 0.1%, यानी कि FII का बिल्कुल निकल चुके हैं। DII की अगर बात की जाए तो 1.2% है, यानी कि बहुत ही कम DII बचे हैं। पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग ज़्यादा है दोस्तों। अगर पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग के ऊपर नज़र करें तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट 14% के आसपास जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, जो काफ़ी बड़ा मात्रा में दोस्तों माना जाता है। तो कोई बड़े इम्पोर्टेंट प्लेयर बचे नहीं है, सिर्फ पब्लिक रिटेल शेयर होल्डर के पास ही ये होल्डिंग है। और यहाँ पे आप देखिए इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख में बहुत ज़्यादा है, 10.18%, यानी कि रिटेल शेयर होल्डर के पास बहुत ही बड़ा है। NRI के पास अगर बात करें तो 0.69 है, बॉडीज कॉरपोरेट के पास बात करें तो 0.34 है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों डेटा की ओर, जो है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस। यहाँ पे भी दोस्तों सेम है, डिलीवरी का अगर वॉल्यूम देखेंगे 8 अक्टूबर में तो 43.6 है, 50.7 है, 60.7 है, 42.2 है। यहाँ पे देखेंगे तो जो हमें वहाँ पे डेटा देख रहा है उससे थोड़ा बेहतर हमें यहाँ पे दिख रहा है, डिलीवरी भी थोड़ा हायर है दोस्तों और अच्छी पेडिग्री की कंपनी है यहाँ पे। और यहाँ पे फाइनेंस प्रमोटर होल्डिंग 0 है। FII का दोस्तों 22.9% है, जो बहुत ही कम था वो काफ़ी इंक्रीज भी हुआ है। DII का होल्डिंग बहुत ज़्यादा तरह से डाउन हुआ है दोस्तों, और पब्लिक के पास 58.9% है। अगर पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की भी बात की जाए दोस्तों, तो इंडिविजुअल शेयर कैपिटल के पास ही जो दोस्तों है इन एक्सेस ऑफ 2 लाख वो 10.74 है, और इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख 35.61 है। यानी कि दोस्तों टोटल शेयर होल्डिंग की बात करें तो 45 से 46% का शेयर होल्डिंग ये लोकल रिटेल इन्वेस्टर के पास है, जो 46% यानी कि दोस्तों 12% ही थोड़े बड़े स्टेक होल्डर के पास है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में रिटेल शेयर होल्डर का होता है यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों हम चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। अभी हमने उज्जीवन के स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाई, अब हम चलते हैं यहाँ पे भी जबरदस्त सटीक स्ट्रेटेजी बन सकती है, क्या स्ट्रेटेजी है इसके ऊपर नज़र डालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 124 का लो है दोस्तों, यहाँ पे जब लो बना था वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों उसी दिन मैंने बोल दिया था, जिस दिन पैनिक मोड था तब मैंने वीडियो बना के आपको आगाह किया था कि 124 का जो लाइफ टाइम लो था दोस्तों स्टॉक का उसी के आसपास यानी कि स्टॉक रोकने की कोशिश की, और दोस्तों होल्ड भी किया स्टॉक ने और हमें एक ही दिन के अंदर जबरदस्त रिकवरी मिल गई थी। और दूसरे वीक के अंदर आप देखोगे कि 173 तक का भी
आपको मूवमेंट मिला था, यानी कि ऑलमोस्ट 50 रुपये का अपसाइड मूवमेंट हमें मिल चुका था। यही दोस्तों स्ट्रेटेजी होती है सपोर्ट लेवल की, और ये कोई नई जादू नहीं है दोस्तों, पुराना टेक्निक है, सब लोग जानते भी हैं। अब ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी कैसे इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, चलिए समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको कैंडल्स दिख रहे हैं प्रीवियसली, जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर समझाता हूँ, लो बनाया 148 का 29 मई 2020, 22 मई 2020 में लो बनाया 144, इससे आगे के वीक में देखिए 24 अप्रैल लो बनाया 150, यहाँ पे भी लो बनाया है दोस्तों 146 का, और यहाँ पे क्लोज है 154.75 का, और यहाँ पे जो क्लोज दिया है दोस्तों वो है 171। अब हम यहाँ पे 154 का जो लेवल है दोस्तों, वहीं पे हम एक जो है वो एक यहाँ पे डाल देते हैं 154 के आसपास, ठीक है, वहाँ पे एक ब्लू ब्लैंक को हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि ये जो लेवल है जहाँ पे 149, 140, 153 का लो बनाया, यहाँ पे 126 का लो बनाया है ये दोस्तों, यहाँ पे 154 का लो बनाया, 155 का आया, यहाँ पे आप देखेंगे कि 150 का लो बनाया, 151 का क्लोज दिया, 150 का लो बनाया, 153 का क्लोज दिया, और यहाँ पे भी 151 का लो बनाया और 153 का क्लोज बनाया। तो हम थोड़ा सा स्लाइडली एडजस्टमेंट करते हैं इस लाइन को, और क्या करते हैं दोस्तों, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल के लिए हम इस लाइन को जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जो हमारा जब 153 होता है तो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल रहता है 150 का दोस्तों, हम सीधा जो लाइन है उसको 150 के आसपास डाल देते हैं, क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कोई भी स्टॉक मार्केट में लेवल में। अब 150 के लेवल को आप पकड़ के रखिए, और यहाँ पे आप देखिए कि बहुत बार ये स्टॉक सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे आप देखिए कि बहुत बार 150 के ऊपर ही आया है, तो यानी कि आपका अब सपोर्ट लेवल रहेगा 3 रुपये 10 पैसे का दोस्तों, यानी कि आपका रिस्क है 3 रुपये 10 पैसे का, और आप लंबी अवधि के लिए अगर इन्वेस्टर है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो भी आप इसी स्टॉप लॉस के साथ चले सा जा सकते हैं, बट अगर दोस्तों आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे 124 का जो लो है उसी को आपको कंसिडर करना चाहिए, अगर आप 1 या 3 साल की बात करते हैं। ये जो मैंने दिया हुआ है 3 रुपये का सिर्फ रिस्क, वो रिस्क जो है वो सिर्फ दोस्तों 15 दिन, 20 दिन या 2-3 महीने के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो स्टॉक को तो लेना है। स्ट्रेटेजी क्या है उसके ऊपर बहुत सिंपल सा है, डेली चार्ट के ऊपर आप आ गए हम लोग अभी, तो बिल्कुल सीधा कि जैसे ही 150 के आसपास आए उसको बाय कर लो दोस्तों, और 4-5 रुपये जो भी हमें मिले वहाँ पे हमें रखना है, और डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग पे आ जाए 150 के नीचे तो चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, ऐसे जितनी बार आपको मिले उतनी बार आप उसको इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। और दोनों स्टॉक दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर कॉन्सोलिडेट कर रहा है दोस्तों, कॉन्सोलिडेशन चल रहा है, तो जब भी उसके ऊपर दोस्तों चलेगा, और यहाँ पे भी काफ़ी वीक से कॉन्सोलिडेशन चल रहा है, एक बार ये ओवर होगा तो हमें ऊपर की साइड या नीचे की साइड दोस्तों बड़े मूवमेंट दिख सकते हैं। 150 का लेवल टूट जाता है तो 124 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे दोस्तों, तो अगर इसके नीचे आता है तो हमें सेल करके आगे बढ़ना चाहिए। और ये सारे दोस्तों मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रेकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप उज्जीवन में दोस्तों अगर ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है दोस्तों। और आपको वीडियो और दोस्तों ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर इसमें ट्रेड या निवेश की सलाह दे तब भी आप निवेश कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।